आज सुबह जब मैं उठी तो नज़ारा बाहर कुछ ऐसा था जी। बारिश हो रही थी पुणे में, लेकिन सर्दी नहीं आएगी, इसके बाद फिर से चमचमाती धूप निकलेगी। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज है दिन मंडे 14th of December और आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, बहुत काम है ऑफिस का। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक रेसिपी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो आपके साथ शेयर करूंगी, इसकी रेसिपी तो वही बना रही हूँ। जिसको नहीं पता, ये सुंगरे क्या थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सब्जी में लेके आई थी तो उस दिन ये मिले थे। सरसों के तेल में बनाती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे आलू। ये आलू मैंने देखें बारीक बारीक काटे हैं, मैं नए आलू की नहीं, 3 to 4 minutes रखा है मैंने कवर करके, और आलू मेरे इतने से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मसाला, जो कि है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। ये अभी ताज़ा कूट के मोटा पीसना है इसको, वो डालना है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आपको नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है घर पे मुँह में उनके जिंजर या चिली आए, तो आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डाल दिया और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ अपने स्पाइसेस, जिसमें की जाएगा सॉल्ट और टर्मरिक, हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली, बस। और कुछ नहीं मैं डालती हूँ, इसका जो है नेचुरल फ्लेवर ही अच्छा आता है सब्जी का। तो इसको कर लेंगे मिक्स। और इसके साथ अब मैं डाल रही हूँ मेरे कटे हुए ये बीन्स, एक तरह के बीन्स ही है ना, बीन्स ही बोलेंगे हम इसको, सुंगरे। और थोड़ी मैंने ग्रीन चिलीज एक दो ली है, उनको स्लिट कर लिया है, वो भी डाल रही हूँ। तो ये करेंगे अब फिर से हम इसको मिक्स। ये देख लें आप, कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ज़्यादा मसाले डालने से वो ओवर पावरिंग हो जाएगा, और जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है ना, चाहे ये थोड़ा सा पंजेंट होता है इसका फ्लेवर, लेकिन वही इसका मजा है। ट्रैवल के लिए भी बड़ी अच्छी सब्जी है ये, आप बना सकते हैं कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हों, आपको रास्ते में खाना खाना है अपने घर का बना हुआ, तो इसको बना के लेके जा सकते हैं। ऑफकोर्स सीजनल है। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए, देख लेते हैं कि सब्जी हमारी कैसी है। वाओ, ये देखें कलर जो आते हैं ना फ्रेश वेजिटेबल्स में, भाई मज़ा आ जाता है देख के, इतनी टेस्टी लगती है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ सब्जी को, और मैं कभी मिस नहीं करती जब भी आता है। पीछे से ना डिस्टर्बेंस आ रही होगी आपको, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ना कुछ काम चल रहा है घर पे। चले एनीवे, सब्जी हो गई है तैयार, आप भी बना लीजिएगा, ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी, और बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिए। एंड जो आज डिस्टर्बेंस आ रही थी ना आपको खटखट की, वो इनकी वजह से थी जी। वाईफाई का मेंटेनेंस करने आए हैं, बट अच्छा हुआ ये लोग आ गए और आज का मेरा ये वीडियो बन गया, अदरवाइज तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, ऑफिस के काम में इतना बिजी थी। चीकू को मिल लीजिए भाई, ये भी परेशान है क्योंकि इसको है कि खोल दो, और हमने इसको बांध दिया है क्योंकि उन लोगों को परेशान करेगा। वेल एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लॉट्स ऑफ लव, सी यू सून।